रही हूँ, आप लोग बड़ा मन से और श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। मैं मिथिला का कथा सुनाने जा रही हूँ। एक जमाने में जीवित पुत्र जा रहे थे रास्ते से, तो पोठिया मच्छी भागते हुए भूमि लोक को छोड़कर जा रही थी। तो जीवित पुत्र पूछे कि ए पोठिया मच्छी, ए पोठिया मच्छी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि पोठिया मच्छी, इस जन्मभूमि में मुझे कोई नहीं पूछता है, इसलिए मैं ये धरती छोड़कर, भूमि छोड़कर मैं जाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर सब कोई अपमान करता है। इस वजह से वो जीवित पुत्र बोले कि जाओ मत, सप्तमी शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन आपका बहुत आदर होगा, आप मेरे संग रहिए। फिर नोनी का साग इसी तरह अपना घर धरती छोड़कर जा रहा था। तो नोनी साग बोला कि जीत पुत्र पूछे कि कहाँ जा रही है नोनी साग? तो नोनी साग बोली, मुझे तो अशुद्ध बोला जाता है, जो पाता है चूल उल झाड़ कर मेरे गाछ में फेंक देता है, इसीलिए मुझे कोई पूछता नहीं है, इसीलिए मैं ये छोड़ कर धरती जा रही हूँ, जन्मभूमि। हाँ, तो जीत पुत्र बोले कि नोनी साग आप मत जाइए, आपका शुक्ल पक्ष में पितर पक्ष के दिन में, आपका सप्तमी के दिन आपका भी अपमान नहीं सम्मान होगा, आपको भी पूजेगा लोग। इसी तरह साग को भी अपमान नहीं सम्मान किया जाता है, और इसी तरह तुतपुतिया भी अपना धरती भूमि छोड़कर जा रही थी। उसी तरह अपने आप को जीवित पुत्र पूछे कि तुतपुतिया तुम कहाँ जा रही हो? तो मुझे कोई खाता पीता नहीं है, मुझे अशुद्ध नाम से जाना जाता है, इसीलिए मैं धरती छोड़कर जा रही हूँ। तो जीवित पुत्र बोले कि मत जाओ, शुक्ल पक्ष के दिन, सप्तमी के दिन, नहाए खाए के दिन तुम्हें सब प्यार करेगा। इसी तरह मड़ुआ, मड़ुआ को भी कोई जाता है पीसता है तो लोग बोलते हैं अरे उसे धो दो, नहीं तो लिविर लिविर करेगा। अनाज में रहने से लोग बीन कर फेंक देता है, इसी तरह मड़ुआ भी अपना भूमि छोड़कर जा रहा था। तो जीवित पुत्र बोले कि ए मड़ुआ भाई, ए मड़ुआ भाई, कहाँ जा रहे हैं? तो जीवित पुत्र बोले, मड़ुआ बोला कि मुझे कोई खाता नहीं और अशुद्ध मानता है, इसीलिए मैं भूमि लोग छोड़ कर जा रहा हूँ। तो मड़ुआ जीवित पुत्र बोले, मत जाओ, आज के दिन से तुम्हारा भी सम्मान होगा, इसीलिए शुक्ल पक्ष में पितर पक्ष के दिन हम लोग जितना भी अशुद्ध खाना सप्तमी के दिन खाते हैं, और बाल नहीं झाड़ते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं, कोई दतवन नहीं करते हैं, इसी तरह अपने पुत्र को जीवित करें, अपने सौभाग्य, अपने सिंदूर को, लाज को बजाएं और बाग सौभाग्यवती बने, अपने पुत्रों के लिए ये कथा करें और घर में श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। इसीलिए कहते हैं जीवित महाराज की जय, जीवितिया माई की जय। एक और कथा कहने जा रही हूँ, आप लोग मन से सुनिएगा। एक दुखी थी, एक सुखी थी। तो दुखी बहन, सुखी की घर में दुखिया बहन काम करती थी, वो सुखा रुखा रहता था, सुखी बहन दे देती थी। तो एक दिन बोली दुखी बहन कि आज हमको थोड़ा अच्छा सामान देना, कल हमको नहाए खाए करना है। तो बोलती है सुखी बहन, हमेशा सूखा दुखा खाने वाली आज अच्छा मांग रही है, इसीलिए तो क्या कि जौ का आटा उसको दे दी और चाल का धुनी जो होता है वो दे दी। वो बेचारी ले गई, उसी को बनाई, उसी से रोटी बनाई, उसी से चावल भी बनाई। बेचारी उसको नहाए खाए के दिन पारण, नहाए खाए के दिन वो खाई। उसी समय जीवित महाराज एक साधु के रूप में आए। तो बोले, हे दुखिया, मुझे भूख लगा है। तो बोली, बाबा मेरे पास तो कुछ है नहीं, कहे कि कल का जो खाए दुए थे वही बसिया रोटी है जौ का। बोले, बेटी वही भी दे देगी तो हम खा लेंगे। तो दुखी बहन ने तो मन में साफा था, वो तोड़ के दे दी। बाबा बोले कि हम खा के तृप्त हो गए। तो बोले कि हे दुखी, मुझे मैदान लगा है। तो बोले कि ठीक है बाबा, अभी इतना रात को हम कहाँ ले जाएंगे आपको, आप मेरा चूल्हे में कर लीजिए। लकड़ी का चूल्हा था, उसी में करा दिए, लकड़ी के चूल्हा में कर लिए। अब बोले, ए दुखी, हम अभी पानी कहाँ से पाऊँ? तो बोले कि बाबा, इतना रात को पानी कहाँ से पाएंगे, मेरा चूल्हे में पोछ लीजिए। तो
सुखी तो कल का पारण करने, कल का वो जीवितिया भूखी भूखने वाली थी, उसको क्या पता। तो जीवित पुत्र के व्रत की थी, तो बाबा को जहाँ स्थान दी थी, सुबह उठी तो बाबा को नहीं दिखी। आ सोची कि वो चूल्हा में तो मैदान किए हैं, उनको फेंक दे। तो बेचारी गई उठाकर फेंकने के लिए, तो देख रही हीरा तमाम से भरा हुआ है, और उसी को सरियाने में उसको समय लग गया। तो सुखी बोल रही है कि क्या बात है कि मेरी बहन आज मेरे घर काम करने नहीं आई, और वहाँ पर महल खड़ा हो गया था झोपड़ी के घर में। तो बोली ये दुखी मंत्री को भेजी, मैंने किसी काम वाली को भेजी, तो उससे भी नहीं आई। तो बहन बोली ठीक है, हम खुद जाके एक दिन देख लेते हैं। तो सुखी गई दुखी के घर में, तो देख रही है तो झोपड़ी था, क्या बात है आज महल बन गया है। तो कही ये दुखी तू नहीं आएगी मेरे घर? तो कह रही दीदी हम कैसे जाए, मुझे तो इसी घर से फुर्सत नहीं मिलता है। तो बोले ठीक है, तो कैसे कैसे भाई लई सब? तो बोली कि भाई ला नहीं, ये हमारे घर में एक बूढ़े ऋषि मुनि आए थे, और जो आप सुखी रुखी दी थी वही उनको खिलाए थे। तो वो जानबूझ के आगे साल इसी तरह इंतजार में बैठी रही कि जीवित महाराज आएंगे बुढ़ापा का रूप धरकर। तो सत्य में आए थे, और वो घमंड में चूर थी, उसके तो परंपरा धन था तभी, और लोभ में थी। तो जीवित महाराज साधु के रूप में आए और बोले कि ये सुखी मुझे खाने को कुछ दो। तो बोले कि हाँ हाँ रखे हैं, ले लीजिए हम खिला रहे हैं। खिलाई पिलाई तो बोले कि हमके मैदान लग गया। तो बोले ठीक है, चूल्हे में कर लीजिए, आज मेरा चूल्हा में पोछ लीजिए। वो तो पहले से ही रेडी थी, तो वो तो उसको रात भर नींद नहीं आया। तो देखने लगी कि क्या बात है, देखे तो गई पैखाना साफा करने भोर में, तो देख रही है कि पूरा जंगल बिच्छू उच्छू सब है, कीटाणु मुटाणु है, और उसका शरीर पूरा महक रहा है, और महल से झोपड़ी हो गया। काहे उतना ही मांगना चाहिए जीवित पुत्र से, चाहे कोई भी देवी देवता से, इतना ही मांगना चाहिए जितना मैं संतोष हो। मेरा माँ बोलती थी सबुरे धन संतोषे बेटा, उतना ही मांगो जितना में काम हो, उससे ज़्यादा मांगेंगे तो हजम नहीं होगा। इसीलिए जिस तरह उनका पुत्र उनका धन संपत्ति बढ़ा, उसी तरह हमारा भी बढ़े, सुख शांति हो, और जीवित महाराज के चलते सबका घर बढ़े। एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। एक लकड़ीहाड़ी थी, वो रोज़ लकड़ी काटती थी और रोज़ बेचती थी। तो एक दिन लकड़ी काट उठ के उसका बेटा आया और बोला माँ कि आज तो नहाए खाए है, कुछ अच्छा बना के खा लेना। तो बोली बाबू मारे भात तो खाए, और का खाए, हम निकले का बा। तो बेचारी खाई और वही वाला रख दी कि मेरा बाबू आएगा तो खाएगा। तो फिर कल का अष्टमी के दिन उपवास रह गई, और नवमी का पारण था। तो बाबू अष्टमी के रात के दिन चले गए लकड़ी काटने जंगल में। तो उसे पता नहीं था कि बाबू कब के गए हैं, कब आएंगे। तो बाबू लकड़ी काटने चले गए थे, तो बाबू सांझ को गए थे, सुबह कहते थे। तो बाबू को पता नहीं था इस तरह नौमी को पारण करना था उसका माँ को। तो घर में कुछ था नहीं, वही सप्तमी का दिन का जो चावल था वही वो क्या की वही खा ली। तो जो गाल में पारण की थी उसी गाल में अजगर उनको निगल गया था। तो अजगर निकल गया था, तो सोची कि मेरा बाबू कल का अष्टमी के दिन से गया है, अभी तक बाबू नहीं आया, क्या बात है। पर उसको तो पता नहीं हम बासी खाना खा लिए है। इसी तरह वो बासी खाना खाए हुए पूरा बेचारी अपने बेटे के योग में इसी तरह एक साल बीत गया। तो उसके द्वार पर जीवित महाराज आए, साधु के भेष में चाहे भिखारी के भेष में आए। तो बोले कि हे बच्ची क्यों इस तरह उदास बैठी है अपने चौखट पर? तो बोली हे बाबा आज ही का नहाए खाए के दिन मेरे बेटे ने कह के गया था कि माँ मैं लकड़ी काट के आ रहा हूँ, कुछ बना कर खा लेना। पर अष्टमी से लेकर नौमी बीत गया, मेरा बेटा एक साल हो गया अभी तक नहीं आया। तो जीवित महाराज तो थे ही, बोले बेटी तू श्रद्धा पूर्वक नहाए खाए कर, लेकिन पारण के दिन अगर घर में कुछ ना रहे तो तुम गर्म पानी करके नून डालकर वही फूक फूक कर पीना, किसी से मांगने मत जाना और किसी के घर से पारण मत करना। तो बोले ठीक है बाबा आपके कहने के मुताबिक हम करेंगे।
वो सप्तमी के दिन नहाए खाए की अष्टमी के उपास रही और नौमी के दिन उसी तरह उसका घर में कुछ नहीं था। तो वो गर्म पानी करके चूल्हा से और जिस तरह फूक फूक के पी रही थी, तो वो फूक फूक के पी रही थी तब तक ले पीछे से, अभी तीने चार निवाला पानी पी थी तब तक ले पीछे से अजगर उसको निगल मैंने उगल दिया था। 1 साल तक ले उसका पेट में उसी तरह रखे थे। पीछे से आकर बेटा बोला, माँ तू ये बासी खाना खाई थी तो मुझे अजगर ने निगल लिया था, आज तू जा ताजा खाई तो देख अजगर ने फिर मुझे निकाल दिया। तो इसीलिए सप्तमी के दिन भी किसी के घर से खाया नहीं जाता है नहाए खाए के दिन, और नवमी के दिन भी जो अपना घर में रूखा सूखा हो चाहे गर्म हो चाहे जो भी हो अपना घर से ही पालन करना चाहिए और किसी के दिया हुआ चीज़ नहीं खाया जाता है। और नवमी श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, जिस तरह उनका पुत्र को बचाई जीवित महाराज और जीवितिया गोसाई और जीवित महाराज, उसी तरह हम सभी बेटों को जीवित बनाए और सब बच्चों को आगे पीछे जीवाए। हे जीवित महाराज गोल लगते हैं और सबको ये करें। और मेरा कथा अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और एक कथा कहूँगा, अच्छा एक और कथा कहने जा रही हूँ, आप लोग सुनिएगा श्रद्धा पूर्वक। एक गांव में एक राजा रहते थे, वो डूगी डिवा दिए और ढिंढोरा पिटा दिए कि मेरा बेटी का परसों बरात आने वाला है और जो अनाज अगर सुखा कर जटा में पीस कर देगा तो उसे हम आधा राजपाट दे देंगे। तो एक उस गांव में सती लड़की रहती थी, पहले का जमाना था, सती थी और भाद्र मास का दिन था तो अगस्त से ही पानी होने लगता है। तो सब गांव के नगर के लोग बोलने लगे कि इस तरह मौसम रहेगा तो अनाज किस तरह सुखाएंगे और किस तरह हम लोग जाता है पीसेंगे। इसी तरह सती लड़की ने कहा कि हे सूरज गुसाई, अगर आप सबके लिए आप ये कर देंगे, धूप उगा देंगे 12 घंटा सुबह 12 घंटा शाम, 6 घंटा सुबह 6 घंटा शाम, अगर 12 घंटे में अनाज सूख गया हम लोग राजा को दे दिए तो ये नगर आधा राजपाट का मालिक हो जाएगा और एक दिन के लिए मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। सूरज भगवान बहुत ये हुए, आनंद हुए, वो क्या किए पूरे 12 घंटा के लिए धूप कर दिए। इसी में सब नगर के लोग जाता से पीस कर सुखा कर धान गेहूँ जो भी हो राजा के पास दे दिए। तो राजा कह रहे हैं कि हम लोग इधर में धूप ही नहीं हुआ, उसके नगर में कैसे धूप हुआ। तो सती का चमत्कार था। तो सती बोली कि परसों का बात है, अब तो सूरज भगवान मेरे पास आएंगे, घर और सजा दी, फूल उल डला दी, दीपक उपक जला दी, अगरबत्ती अगरबत्ती जला दी, जलाने उलाने के बाद क्या कि अपने गौशाला में जाकर छुप गई। क्या कि वो सती थी, उनका कहना था कि कभी मैं पुरुषों के सामने नहीं आई हूँ, अगर पुरुषों के उनके सामने मैं आ जाएंगी तो मेरा अपमान हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या कि उनको पूरा स्वागत के लिए सामान इकट्ठा कर दी थी और वो दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, ये सती ये सती ये सती, पर सती निकल के नहीं आई। सती तो गौशाला में थी पर वो क्या करे, वो कहती थी कि अगर मैं किसी के सामने आऊँगा तो मेरा अपमान हो जाएगा, इसीलिए निकल के नहीं आई थी। इसीलिए जब सूरज भगवान निकले तो आंगन देखे कि खाली है, वो क्या किए गुस्सा में अपने शरीर का जो गर्मी था वो आंगन में पेशाब कर दिए। वहाँ पर रातों रात में वो गिनरी का साग हो गया, बहुत खूबसूरत गिनरी का साग हो गया। और सती ने वहीं पर गौशाला में रात कटा दी, पारण के दिन वहाँ से निकल के आई। निकल के आई तो उसको गिनरी का साग बहुत पसंद आया, कही कि बाप रे जब गए तो कोई साग ही नहीं था, अचानक ये साग कहाँ से हुआ। वो साग क्या कि टूंगोंकर भी बिना धोए ही कढ़ाई में बैठा दी वो साग, और साग से और भा चावल से पारण की, साग और चावल से पारण की और वो 10 पत्ता तो गर्व रह गई। तो वो सुनने लगी सोचने लगी कि मैं तो किसी के पास नहीं गई, कोई पुरुष मेरे सामने नहीं आया और ना मैं पुरुष के सामने गई तो मैं कैसे माँ बनने वाली हूँ। वो सोची कि ठीक है, ऐसे करते करते करते
उसको गांव के लोग सब कोई निंदा करने लगा, ना घर से निकलती ना आंगन से बाहर जाती, वो अपने घर में ही रहती। उसका बेटा 5 वर्ष का हो गया, उसका बेटा 5 वर्ष का हो गया। बेटा 5 वर्ष का होने के बाद किस तरह बच्चे, हमारे बच्चे हो चाहे आपके बच्चे हो, मैदान में खेलने जाते हैं, उसी तरह मैदान में खेलने गया तो सब बच्चे बोलते एक द्वार मारे तो बाबा द्वारे, एक ईंट मारे तो बाबा द्वारे, और दूसरा ढील मारे तो अंगना द्वारे, और तीसरा धुर मारे तो बाबा द्वारे। तो ऐसे ही करने लगा। तो सती का बेटा बोला हम भी खेलेंगे। तो बोला कि एक एक ईंट मारे तो बाबा द्वारे, दूसरा ईंट मारे तो बाबा द्वारे, तीसरा ईंट मारे तो बाबा द्वारे। तो सब बच्चे जो खेल रहे थे तो बोल रहा था, अरे सती के बेटा तू तो झूठ बोल रहा है, तेरा तो बाप ही नहीं है, तो किसके द्वारा जाएगा। वो आके रोने लगा, कहने लगा सती से, माँ आप सती है तो सत बताइए मेरे पिता कौन है। तो बोली बेटा मैं तो बताऊंगी नहीं, सुबह को 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप पीपल के और आंवला के गाछ के सामने बीचों बीच में खड़ा रहिएगा। उसी टाइम में एक रथ उतरता है, वो रथ के पकड़ लीजिएगा, और रथ के पकड़ कर पूछिएगा तो वो आपको उत्तर मिलेगा। बेटा उसी तरह किया, पीपल के गाछ के पास गया और सुबह को 6 बजे और शाम को 6 बजे के बीच में तब तक एक रथ उतरा, सती के बेटा ने पकड़ लिया। सती का बेटा पकड़ा जब तो वो पूछने लगा कि मेरा रथ पकड़ने वाला कौन है। तो कहा कि मैं सती का पुत्र हूँ पर मेरे पिता का कोई नामो निशान नहीं। तो सूर्य जी बोले कि हे जीवित, तुम बोलना मैं सूर्य पुत्र जीवित हूँ जो गिनरी के शाख से उत्पन्न हुआ हूँ। अगर कोई पूछे तो यही उत्तर देना। उत्तर देने के बाद अगर कोई पूछे तो कहना कि हाँ मेरी माँ कोई पापी नहीं थी और मैं कोई नाजायज नहीं हूँ। मेरे पिताजी मेरे घर आए थे पर माँ को नहीं मिलने के कारण पिताजी अपना कारनामा मेरे आंगन में ही करके चले गए थे, इसीलिए माँ वही खाई और मैं गर्भ में मैं रह गया। इसीलिए गिनहरी को साग को भी कितना लोग पारण के दिन खाते हैं और वो सूर्यपुत्र जीवित है। इसीलिए जिस तरह उनके पिता का नाम मिला उसी तरह सभी बच्चों को नाम मिले, और जीवित पुत्र की तरह मेरे भी पुत्र भी जीवित है, सब संसार का पुत्र है। जीवितिया महाराज की जय। ये पांचवी कथा है, छोटा सा बोलूँगा, गलती हो तो अगर क्षमा कीजिएगा। एक नगर में सब औरतें मिलकर जीवितिया कर रही थी और गोठ में बैठी हुई थी और बैठ के पूजा कर रही थी। तो सब माओं ने अपने बच्चों के लिए जीवितिया रखा था, उसी तरह गाय ने भी, जिस तरह गंगा नहा कर जिस तरह जिसका सांस नहीं रहती वो गंगा नहाता है, खड़ी तेल देता है, उसी तरह गाय भी और सांप भी नहाने गया। जिस तरह माताएं जाती है उसी तरह नहा वहा के सब कोई कथा सुनने लगा। कथा सुनकर कथा बांटने लगा। गाय भी जीवितिया का व्रत रखी थी अपने बच्चों के लिए और सांप भी अपने बच्चों के लिए रखना चाहती थी। तो नाग ने कहा कि तुम रखोगी तो तुम जाओगी कथा सुनने तो तुम्हें तो सब मार देंगे, क्या ये सब सोचेगा कि तुम व्रत नहीं तुम काटने आ रही हो। तो वो बोली ठीक है अब चिंता मत कीजिए हम ठीक भूख जाएंगे। तो सब माताएं कथा कह रही थी, उसी समय गाय भी मंदिर के बगल में बैठकर कथा सुन रहा था, गाय माता। उसी तरह कीड़ा भी अपने शिव की मंदिर के बगल में बैठकर कथा सुन रही थी। इस तरह कथा सुनते सुनते तो कथा के नियम है कि पारण ना गौशाला के दूध से ही किया जाता है, मैं भी नहीं जानती थी मुझे क्षमा करना, दूध से ही पारण किया जाता है और जीवित महाराज को ही देखकर किया जाता है इसी तरह। तो सभी कथा कर रही थी तभी गाय ने अपना कथा को पूर्ण किया और सोची पारण के दिन कि कहाँ जाकर मैं पारण करूँगा नवमी के दिन। तो सभी ने वहाँ पर अपना गंगा के नदी के किनारे अपना पारण किया था गौशाला के पास, तो दूध गिरा था तो गाय ने भी थोड़ा सा दूध चाट लिया और उसका पारण हो गया। सभी माताएं बहनें सभी चली गई तो कीड़ा ने भी सांप नागिन में भी सोचा कि मुझे भी तो पारण करना चाहिए, कहे कि मैं भी तो सप्तमी के नहाई खाई हूँ अष्टमी को भूखी हूँ तो मुझे भी पारण करना चाहिए। तो वो क्या कि थोड़ा गड्ढा में दूध जमा हुआ था वहाँ पर जाकर वो पी ली, तो पीने के बाद उसका पारण हो गया।
पारण होता नहीं, असल बात के सांप का बच्चा जब भी रहता वो सांप का बच्चा अंडा मर जाता, इसीलिए वो द्वितीय पुत्र की उपास की थी। और गाय भी इसी तरह होता था, तो गाय ने भी अपने बच्चों के लिए रखी, तो इसीलिए अपने सारे अंडे जो मर जा रहे थे, इसीलिए नागिन ने भी अपना व्रत रखा था, और इसलिए रखा था कि मेरे भी अंडे के बच्चे जीवित रहे। तो जिस साल वो जीवित पुत्र की कथा सुनी थी, उसके 1 साल के अंदर ही उसका अंडा से बच्चा निकला, तो एक बार में वो 7 वो बच्चे की माँ बनी। इसीलिए जिस तरह नाग के बच्चों को जिलाए जीवित महाराज, उसी तरह हमारे बच्चों को भी जीवित करें, और सब पंच को करें, जिसका नहीं हुआ जीवित महाराज उसका भी वंश देव आगे बढ़ाए, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी देने से मतलब है जीवित महाराज, जिस तरह हम सबको दिए उसी तरह उन लोगों भी दे। हे जीवित महाराज, ये लास्ट मेरा कथा है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और कथा में अगर गलती सही हो तो क्षमा कीजिएगा, क्या मेरा माँ भी नहीं है कथा समझाने वाली, जो आता है वही करते हैं, और प्लस अभी पूजा पाठ उतना हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्या मेरा छुटका में है, इसीलिए हम घर में ही पूजा किए हैं छोटा सा, नहीं तो मेरा भौजाई लोग भी आती थी, इस साल हम अकेले ही कर रहे हैं, वो लोग अपना घर में कर रही है, और अपना मेरा सावन महीना का कथा नहीं हुआ है, जो गंगा जी में हम लोग कथा करते हैं मन्नी का, वो नहीं हुआ है, इसीलिए आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि इसी तरह सबको कथा कहे सुनाए, और सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा। तो गाइस ये मेरी मम्मी जो अभी कथा करके उठी है, मतलब अभी कथा की है, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उनको सब्सक्राइब बोलने अच्छा से नहीं आता, कोई बात नहीं। और ये हम लोग का मम्मी अगले साल बनाई थी, अपने हाथों से हैंडमेड भाई, ये इंडिया हैंडमेड है गाइस, ये बनाई थी तो मम्मी का, हम लोग उसका फ़ोटो लिए लेकर ली आए, लेकर आए और मम्मी उसको फ़ोटो से निकलवा दी, और देख सकते हैं गाइस गाइस वो पूरा मेड इन इंडिया है गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई लोग, अभी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको आपको अच्छा अच्छी लगे वीडियो निकले। ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी देख सकते हैं पूरा भाई, अभी हम लोग का गोपू भी खाएँ खिलाएंगे उनको भी अभी हम लोग, और अभी चलते हैं, अभी हम लोग वीडियो को बंद करते हैं, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बाय गाइस।